इंडिया और इंग्लैंड के बीच में राजकोट में जो टेस्ट मैच खेला गया, उस टेस्ट मैच की हाईलाइट में दो नाम थे। एक नाम यशस्वी जायसवाल और दूसरा नाम सरफराज। सरफराज खान और यशस्वी के बीच में कुछ मोमेंट जो शेयर किए गए, उसके बाद बहुत सारी फोटोज और वीडियोज वायरल हो रही हैं, और खास करके वो वीडियो जो शायद अब तक आप लोगों ने देख ली होगी, जहां पर यशस्वी ने अपना 200 कंप्लीट करा था, और उस टाइम की जो कॉन्वर्जेशन दोनों के बीच में चल रही थी जब सरफराज अदर एंड पर थे और आपको यशस्वी बैटिंग कर रहे थे, और वहां पर यशस्वी कहते हैं कि भाई मैंने बहुत मेहनत करी है, एक रन जब मैं शॉट मारूं तो भाग जाना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है। और दूसरे एंड से सरफराज कह रहे थे कि घबरा मत, आराम से, जबरदस्ती नहीं भागना जब तक बॉल दूर नहीं चली जाती है, जब रन होगा तभी लेंगे, आराम से भागेंगे, हो जाएगा, तो टेंशन मत ले, घबरा मत। तो ये जो हौसला अफजाई चल रही थी, अब बहुत लोगों को ये लगा होगा कि पहली बार मिल रहे हैं दोनों, पहली बार आपको पिच पर दिख रहे हैं दोनों, और कितना अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही मुंबई से खेल चुके हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मैच के बाद यशस्वी ने कहा कि मैं और सरफराज, हम दोनों एक दूसरे को कुछ 3-4 साल से जानते हैं, साथ में रहे हैं, और इस वजह से शायद वो बॉन्डिंग जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लास वाली बॉन्डिंग थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैच खेला है, उन्होंने पहले भी मैचेस खेले हैं, फर्स्ट क्लास खेला है, मुंबई से आते हैं दोनों, और इस वजह से वो बॉन्डिंग हमें दिख रही थी कि सरफराज कहीं ना कहीं उतना ही चाह रहे थे कि यशस्वी की सेंचुरी हो जाए। और जैसे ही यशस्वी डबल सेंचुरी कंप्लीट करते हैं, दोनों रन लेते हैं और दोनों एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। मतलब वो पिक्चर इतनी पिक्चर परफेक्ट है कि उस पिक्चर को रोहित शर्मा ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाया, जहां पर साफ साफ देखा जा सकता है कि यशस्वी भी अपना दोनों हाथ ऊपर करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उनके साथ साथ सरफराज जो कि दूसरे एंड से भाग रहे हैं, वो भी उतना ही खुश है जैसे मानो उनका 200 कंप्लीट हो गया हो। रोहित शर्मा ने वो फोटो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाई और नीचे ध्रुव जुरेल के भी फोटो लगाई और लिखा, ये आजकल के बच्चे। ध्रुव जुरेल ने भी डेब्यू किया था, सरफराज खान ने भी डेब्यू किया था, और यशस्वी जायसवाल जो भी महज 22 साल के हैं, उम्र में तो सरफराज से भी छोटे हैं, सरफराज 26 के हो गए हैं, लेकिन सरफराज डेब्यूटेंट थे। तो इसी वजह से रोहित शर्मा ने भी कहा कि भाई ये आजकल के बच्चे हैं। खैर, ये चीज टीम का माहौल बताती है, ये बताती है कि रोहित शर्मा की टीम जो है वो किस तरह से तैयार हुई, कप्तान ने किस तरह से उन 11 या 15 खिलाड़ियों को जोड़ करके रखा है, या रोहित शर्मा क्यों, पूरी की पूरी मैनेजमेंट ने किस तरह से इस पूरी टीम को बिल्ड करा, किस तरह से जोड़ कर रखा है। हमने देखा था कि जब वर्ल्ड कप के टाइम पर भी बेस्ट फील्डर का अवार्ड मिलता था, मेडल्स मिलते थे, तो एक खिलाड़ी को मेडल मिलता था, लेकिन किस तरह से पूरी टीम उसे एक खिलाड़ी के लिए जश्न मनाती थी। हमने देखा जब पहली इनिंग में सरफराज रन आउट हो गए, जडेजा की तरफ से एक इंस्टाग्राम स्टोरी आती है, बहुत लोग ये कह रहे थे कि रनआउट जडेजा की वजह से हो गए, जडेजा ने उतना जो टाइम ड्यूरेशन था वो शायद वो समझ नहीं पाए और जल्दी कॉल कर दिया, और जडेजा की कॉल की वजह से सरफराज भाग गए, और ये बहुत तरह की लोग बात कर रहे थे। लेकिन जडेजा ने एक स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पर और लिखा कि मेरी गलती थी, मेरी गलत कॉल थी, मेरी गलत कॉल की वजह से सरफराज आउट हो गए, जो सरफराज एक अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, लग रहा था कि सेंचुरी आ जाएगी, वो गलती से आउट हो गए मेरी वजह से। तो एक सीनियर खिलाड़ी, अच्छा खासा सीनियर खिलाड़ी, सरफराज को कहता है कि गलती हो गई मुझसे, और वहीं दूसरी तरफ सरफराज कहते हैं कि मैं रविंद्र जडेजा के साथ खेल रहा था और जडेजा भाई ने मुझे उस ड्यूरेशन में बहुत हेल्प करी, मुझसे बातें करी, मुझे बताया, मुझे मोटिवेट करा, जिस वजह से मैं एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहा था। तो ये सब कुछ दिखाता है कि कितना अच्छा एटमॉस्फेयर टीम में, और क्यों रोहित शर्मा इतना कॉन्फिडेंट है, कहते हैं कि हम कहीं भी चले जाएं हम जीत जाएंगे, हम चाहे हम साउथ अफ्रीका जाएं, चाहे हम यहाँ खेलें, आप कैसे भी पिच दे दो, हम जीत जाएं, क्योंकि उनको पता है कि इस टीम का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, इस टीम में यंगस्टर्स हो चाहे एक्सपीरियंस हो, उनके बीच में गैप नहीं है, और ये गैप होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप 11 खिलाड़ी टीम पर उतरते हैं तो एक्सपीरियंस या कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी बॉन्डिंग, और इसी बॉन्डिंग ने हमें मैच जिताया है। आगे क्या ये बॉन्डिंग काम आती है, कितनी काम आती है, और ये जो आजकल के बच्चे हैं ये कितना आगे तक बढ़ते हैं, ये देखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये रोहित शर्मा की मेहनत है, ये टीम की बॉन्डिंग है जो इस टीम को वहां तक लेकर के जा रही है, या फिर कहीं ना कहीं इसमें और भी कुछ नुस्खे, और भी कुछ हो सकता है, आपको क्या लगता है इसमें, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस पूरे बॉन्ड के बारे में आपको क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।